वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। तो आज हम फाइनली हम लोग बंगाल से उत्तराखंड से होते हुए आ चुके हैं एक नई जगह पे। गैस कर सकते हैं आप लोकेशन कहाँ है, ठीक है। अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं हूँ अभी फिलहाल तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के कोयम्बटूर सिटी में हूँ। और यहाँ पे भाई जो हवा चलती है ना बहुत तगड़ी है भाई, आपको नॉइज़ आ रही होगी कितनी हवा चल रही है तेज। और आज फाइनली हम लोगों को घूमने का मौका मिला, और आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। कहाँ पे मैं मिला देता हूँ पहले आपको अपने दोस्तों से, कौन कौन है। ये हमारे अंकित भाई, ठीक है, और वो उधर एक और है बंदा जो कि एडिक्टेड है फ़ोन का, ये रहा, ठीक है, उदानी भाई हमारा। तो फिलहाल हम लोग आज जा रहे हैं कहाँ, सिरुवनी वाटरफॉल जा रहे हैं। नेचुरल वाटरफॉल है ये, अंकित भाई की चॉइस है, और जाके देखते हैं कि कैसा है वहाँ पे। और यहाँ से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम जाएंगे सिरुवनी वाटरफॉल की तरफ, और रास्ते में अगर हमें कुछ नया सा मिलता है तो हम आपको दिखाएंगे। दानी भाई से हम मिल सकते हैं फ्री हो गए फ़ोन से, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। तो हिंदुस्तानी भाव वाली फीलिंग लेते हैं भाव एकदम। तो अभी फिलहाल चलता है किधर, हम आपको दिखा देते हैं कि हम कैसे जा रहे हैं। ये हमारी मीटियोर 350 जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये है अपाचे। तो इन दोनों गाड़ियों से हम लोग अभी जा रहे हैं, तीन लोग हैं, और हम लोग जा रहे हैं अभी सिरुवनी वाटरफॉल की तरफ। और यहाँ पे देख सकते हैं हम कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई, समवेयर इन बिटवीन आप देख सकते हैं भाई सामने पहाड़ी। और अभी चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है उधर जाके। आधा रास्ता हमने कवर कर लिया, और यहाँ पे हम लोग रुके रिफ्रेशमेंट के लिए, रिफ्रेशमेंट हम लोग पीरे चाय। और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, क्या, पेटीज़। आप कहीं भी जाओगे आपको पेटीज़ मिलेगी। तो फिलहाल चाय और पेटीज़ खाते हैं यहाँ पे, और फिर चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं कि साउथ कैसा है और क्या कुछ है यहाँ पे, और सिरुवनी फॉल कैसा है। हम भी पहली बार जा रहे हैं क्योंकि अंकित भाई की इच्छा थी कि हम लोग सिरुवनी फॉल जाएँ, क्योंकि इनको नेचुरल वाटरफॉल देखने का बहुत शौक था, इसलिए हम लोग जा रहे हैं उस तरफ। और अभी फिलहाल थोड़ा रिफ्रेशमेंट के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको क्या कुछ है नया। रोड यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। बाकी देखते हैं अभी फाइनली जब डेस्टिनेशन पहुँच जाएंगे तब वहाँ पे एक अपना रिव्यू देंगे क्या है वहाँ का। अभी तो बस सफर है, सफर चल रहा है। अबूदानी भाई एकदम खाने में व्यस्त। मैं तो चाय और पेटीज खाने आया हूँ और रास्ते के मजे ले रहा हूँ। मेरा तो पूरा मूड था आधी होगी जाने का, बट इसने बताया शुरू नहीं चलते अब आधी होगी। आपको गाइस नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे फिलहाल पेटीज। फाइनली अब देखो बुदानी भाई की इच्छा पूरी हो गई है, अंकित भाई का हो चुका है पोपट, क्योंकि हमारा प्लान चेंज इसलिए हुआ क्योंकि जो है बंद था सिरुवनी वाटरफॉल, और इसलिए हम आगे इधर आधी होगी। जैसा कि बुदानी भाई का मन था कि आधी होगी आने का, और अंकित भाई अब मायूस हैं क्योंकि अंकित भाई ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं। तो अंकित भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं मायूस नहीं हूँ, सावन का महीना है, भोले बाबा ने हमें बुलाया है यहाँ पे, और आधी होगी हम दोबारा दर्शन करेंगे और अच्छे मन से दो तीन दोस्त ने आराम से मजा आएगा। अगर कोयम्बटूर आए और आधी होगी के दर्शन नहीं किए तो दोबारा तो हमें यहाँ पे भी मतलब ये तो चलता रहेगा अभी, और भी बार आ सकते हैं। लेकिन बंद तो कह रहा बट मजा आ गया। सो फाइनली सिंधु दोस्त भी अब चलते हैं आदि योगी की तरफ और आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके आदि योगी, और आदि योगी का देखो यहाँ पे अंदर जो है मोबाइल अलाउ नहीं है, तो सिर्फ जो ये स्टैचू है आदि योगी का यहाँ तक हम आपको लेके चलेंगे। और जा सकते हैं हम, थोड़ा सा जब रास्ता है ना तो वहाँ पे जहाँ पे सारा डिपॉजिट होगा बैग वगैरह वहाँ तक हम जाएंगे, तो क्या
कैमरा अलाउड है वहाँ पे, उसके अंदर जो उनका कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे ध्यान लिंग है और ये सूर्य कुंड है चंद्र कुंड, वहाँ पे अलाउड नहीं है क्योंकि वहाँ पे पीस अल्टीमेट पीस मिलेगा आपको वहाँ पे। जहाँ तक हम जा रहे हैं वहाँ तक तो आपको सफ़र करा ही रहेंगे। तो अंकित भाई ने काफ़ी जानकारी दी आपको, आप आगे का नज़ारा देखिए और पास से मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अगर आपको आदि योगी आना है तो आपको 10 रुपये का पार्किंग चार्जेस देना पड़ता है, आज मैंने अंकित के 10 रुपये बचा दिए। अंकित कैसा लग रहा है? फाइनली आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे आदि योगी की मूर्ति, और जैसे कि बहुत सारे रील्स वीडियोस में हमको देखने को मिलती है, आज फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आदि योगी की मूर्ति फाइनली। और आदि योगी जैसा कि आपको पता ही है कि ये इस फाउंडेशन के द्वारा बनाई गई है और सतगुरु महाराज जी इसके फाउंडर हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को आगे और आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं बहुत सारी चीज़ें। और बाकी अंकित भाई के बारे में आज हमको बताइए क्योंकि अंकित भाई यहाँ पे घूम चुके हैं और हवा मैंने आपको जिस मोटिव में बताया था कि बहुत खतरनाक यहाँ पर हो चलती है तो हवा का साउंड थोड़ा ज़्यादा रहेगा। सारी भीड़ है भाई, सारे लोग रील बनाने में मस्त हैं, देखो फोटो खींचने में रील बनाने में। और ये बाबा की मूर्ति काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें, मतलब एक सुकून है। और अंदर जाके अभी और देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे, शायद यहाँ पे अंदर मोबाइल जमा हो जाता है जैसा कि अभी अंकित भाई ने बताया था हमारे कि मोबाइल जमा हो जाता है। तो हम भी यहाँ पर थोड़ा कुछ कंटेंट अपना देखते हैं क्या कुछ बना सकते हैं यहाँ पे हम, और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी आदि योगी के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको बोल रहा था कि जाननी है तो वो आपको बताएंगे हमारे दानी भाई, ठीक है? तो दोस्तों ये वही स्टैचू है जो आपने मोस्टली सोशल मीडिया में देखा होगा। इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो इसका इनॉग्रेशन आज से कुछ साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने एक शिवरात्रि के दिन किया था। अगर ऐसा ही आपको और आइडियल दिल्ली वाराणसी और मुंबई में देखने को मिलेंगे, बट ऐसा इस फेज के साथ में ऐसा स्टैचू ये कोयम्बटूर में पहली बार है। तो इसका स्ट्रक्चर सोचने में करीबन 2.5 ईयर्स का टाइम लगा था और ये 8 महीने में बन के तैयार हो गया था। बताया जाता है कि इसका जो शिव जी का फेस है वो छोटे छोटे मेटल से बन के है और इसका जो वजन है वो 500 टन्स है। आप देखिए क्या सुंदर स्टैचू बनाया है भगवान शिव का। अभी तो यहाँ बहुत क्राउड है और यहाँ बहुत नॉइस है, बहुत हवा चल रही है। अगर आप किसी शाम के टाइम पर आएंगे तो ऐसा अल्टीमेट पीस आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं भाई कितनी बड़ी मूर्ति है, देखो भाई बुदानी भाई देखो कितना छोटे लग रहे मूर्ति से, ये देखो आप कितनी बड़ी मूर्ति है आप देख सकते हैं। तो गाइस देखिए इतनी बड़ी मूर्ति और काफ़ी कुछ है यहाँ पे, पहाड़ भी है पास में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और सुकून सा है यहाँ पे। और चलिए अभी हम भी थोड़ा फ़ोटो शूट करते हैं, अंकित भाई बिजी हैं थोड़ा फ़ोन में अभी, तो आगे फ़ोटो शूट करते हैं उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। और देख सकते हैं अभी यार रुद्राक्ष की माला, देखो बाबा रुद्राक्ष की माला इतनी बड़ी है देखो ये। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें अलाउड नहीं है, मोबाइल फ़ोन कैमरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैंडबैग लगेज बैग कुछ भी यहाँ पे आप अगर आपके पास कुछ भी है तो आपको आगे काउंटर पे जमा करना पड़ेगा और सामने उस गेट से आपको अंदर जाना पड़ेगा अगर बाकी चीज़ें देखनी है। तो हम भी यहाँ पे सारा कुछ जमा करके अंदर की तरफ जाएंगे और थोड़ा घूम के आते हैं उसके बाद जाके घर की तरफ जाएंगे। Few moments later. तो गाइस फाइनली हम लोग घूम के आ गए अंदर और मोबाइल फ़ोन यहीं जमा हो गया जैसे मैंने आपको बताया, और अंदर की जो सारी जानकारी है वो आपको देंगे अंकित भाई हमारे। तो हम अगला जो चेहरा आपको देखने को मिलेगा अंकित भाई का, और अंकित भाई आपको डिस्क्राइब करेंगे कि अंदर हमने क्या कुछ देखा और क्या कुछ है। अभी हम सेंटर के नीचे खड़े हैं जहाँ पे बैलगाड़ी है, ये आपको एक खास चीज़ देखने को मिलेगी, बैलों का यूटिलाइजेशन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन आप कुछ भूलते जा रहे हैं छोड़ते जा रहे हैं, तो यहाँ ये चीज़ खास मिलेगी आपको, बैलों की सवारी करने को मिलेगी और ये टोटल सेंटर है।
इसके जब हम अंदर गए थे तो सबसे पहले एंट्री मिलेगी वहाँ को, आपको मोबाइल परमिट नहीं है। फिर उसके बाद जब हम अंदर जाएंगे तो सबसे पहले एक सूर्य कुंड मिलेगा आपको, सूर्य कुंड ओनली फॉर मेंस, और वहाँ पे आपको एक वेट क्लॉथ मिलेंगे। आप परेशान ना होगी यहाँ कपड़े ले जाने की आपको जरूरत पड़ेगी, आपको 20 रुपीज़ में क्लॉथ देगा और उसको पहन के सावर लेके आप फिर सूर्य कुंड में जाएंगे। उसके आगे चंद्रकुंड है जो महिलाओं के लिए, उनके लिए भी सेम है, उनको वहाँ पे कपड़े मिलेंगे वेट क्लॉथ सावर के बाद, वहाँ पे चंद्रकुंड में आप नहाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान लिंग में है, ध्यान लिंग में जो स्पेशलिटी है यहाँ की ध्यान लिंग, आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी वहाँ पे। आपको 1 बजे से पहले आपको दूध की वहाँ पे अर्चन हो तो चढ़ावा होता है, उसके बाद क्या है कि 1 बजे के बाद पानी का चढ़ावा होता है, कलश मिलेगा आपको इतना बड़ा, तो सीढ़ी काफ़ी ऊपर है, वहाँ से डालना होता है, वो ऑप्शनल है, आप ले सकते हो नहीं भी ले सकते। और बैठ के आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, जितने देर मन हो उतनी देर ध्यान लगाएं, फिर वहाँ से आके छोटे छोटे और आपका पॉइंट है जहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ से, लेकिन कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बाकी आप आएँ यहाँ पे ज़रूर, वो नाम आपको ध्यान करने हैं उसको, आप अच्छे से वहाँ पे विजिट करें। गाइस यहाँ पे जो बैल है ना उनके लिए जो कितनी अच्छी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑर्डर करी है, पानी का ऑटोमेटिक पानी ये पिएगा वो बैल और यहाँ पे भरता रहेगा, कितनी क्लीननेस है। शेल्टर भी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, ये मैंने ये टीन नॉर्मल टीन नहीं है, ये 2 लेयर पे बीच में इसमें फोम भरा हुआ है जो कि इसको कैटल्स को काफ़ी आराम देता है, अच्छा है। लोग अगर अपना बनाए डेयरी फॉर्म तो इस टेक्नोलॉजी को ज़रूर देखें, काफ़ी अच्छी लगी मुझे क्योंकि मैं इंटरेस्ट रखता हूँ इन सब चीज़ों में, तो अच्छा है। तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको रिफ्रेशमेंट के लिए एक अच्छी से पूरी रो मिलेगी, यहाँ पे छोटी छोटी हट बने हुए हैं और ये काफ़ी वाजिब रेट में, और आपको हेल्दी रिफ्रेशमेंट मिलेगा आपको खाने के लिए, और ये पूरी उधर भी है कुछ दुकानें कुछ यहाँ भी हैं, और अच्छा लगेगा काफ़ी, आपको एक गाँव जैसा फील आएगा और एक दोनों का एक मिक्सचर अच्छा सा मिलेगा तुम्हें, शहर और गाँव का संतुलित। देखो बैल आ रहा है आगे से, है ना, बैलगाड़ी, जो लोग बैलगाड़ी के लिए इंटरेस्टेड है वो बैलगाड़ी से आए, जो लोग ई व्हीकल से वो चलता है ई रिक्शा, है ना, उस पर भी आ सकते हैं, कुछ बसेस उधर से चलती हैं वो बसेस में भी आ सकते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बाकी सवारी हम कर सकते हैं, ये खास लगा मुझे। तो भाई फाइनली हम लोग अब जा रहे हैं घर को, और अब देख सकते हैं भाई पहाड़ों के बीच में कितना मतलब खूबसूरत से पहाड़ हैं चारों ओर इसके, और बहुत सारी भीड़ है यार, यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, मतलब आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में लोग हैं यहाँ पे, और इन्हीं सबके बीच में महादेव जी विराजे हुए हैं सामने, और चारों ओर बादल और पहाड़ हैं एकदम से। तो चलिए हम फिलहाल चलते हैं घर की तरफ और देखते हैं अगर रास्ते में हमें कुछ मिलता है तो इंटरेस्टिंग है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और फिलहाल जाने का वक्त आ चुका है और बहुत तेज़ हवा चलती है यहाँ पे यार, इसमें थोड़ा आवाज़ में जो है नॉइज़ होगा, आपको लग रहा होगा कि हवा चल रही है, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय।